देश भर में पूरे जोर शोर के साथ चल रही वैक्सीनेशन के बीच आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। गौरतलब है कि अनिल विज पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी किया गया था, जिसके बाद अनिल विज कोरोना की चपेट में आ गए थे, लेकिन अब डॉक्टरों की सलाह पर अनिल विज ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। डॉक्टरों की टीम ने अनिल विज के स्वास्थ्य की जांच करने के बाद कोवैक्सीन की पहली डोज दी, जिसके बाद अनिल विज ने कहा कि लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। वहीं वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर भी अनिल विज ने ध्यान न देने की बात कही और कहा कि वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। देखिए, मैंने तो सबसे पहले ट्रायल का इंजेक्शन कोवैक्सीन का लगवाया था, लेकिन उसके 14 दिन बाद मुझे कोरोना हो गया था, काफ़ी ज़्यादा कोरोना हो गया था। उसके बाद मेरी एंटीबॉडी भी बहुत बन गई थी। उसके बाद सारे डॉक्टरों ने राय दी कि अभी आपको नहीं लगानी चाहिए, लेकिन कल सभी उच्च डॉक्टर्स की राय बनी कि अब आपको लगवा लेनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आज कोवैक्सीन की पहली डोज ली है। कोई भ्रांति नहीं है और इस कोविड बीमारी से बाहर निकलने का तरीका भी एक है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं।